जय हिंद। एक और सूचना है उन सभी विद्यार्थियों, शोधार्थियों, शिक्षकों, अध्यापकों, शिक्षक का ही मर्थ होता है अध्यापक, उन सभी के लिए एक संस्थान है महाराष्ट्र के कोल्हापुर में। कोल्हापुरी चप्पल सुनी होगी आपने, तो कोल्हापुर एक संस्थान है महाराष्ट्र में, पुणे लातूर के पास में है। वहाँ एक संस्थान है विवेकानंद कॉलेज कोल्हापुर, ठीक है, एक डिग्री कॉलेज है। वहाँ पर एक दो दिवसीय राष्ट्रीय अंत स्तर की संगोष्ठी हो रही है और इस संगोष्ठी को स्पॉन्सर कर रही है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंसेस रिसर्च, यानी के ICSSR और विवेकानंद कॉलेज, ये दोनों ही संस्थान मिलवा कर एक दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी करवा रहे हैं, जिसमें आप भी शामिल होना चाहें तो हो सकते हैं। और फीस बेहद इसकी कम है, 100 रुपये से लेकर 300 या 200 रुपये की फीस रखी गई है। फीस बेहद कम है, सुविधाएँ बहुत ज़्यादा हैं और सबसे अच्छी बात विषय और विषय की विचार की उससे ज़्यादा बेहतरीन है, क्योंकि आज भारतीय समाज में इस विषय को लेकर चर्चाएं, संवाद, विमर्श यानी कि डिस्कोर्स उत्पन्न नहीं हुआ है, अपने चरम के स्थिति में फैल चुका है। और इस समाज और इस विमर्श का नाम है जिसे, क्योंकि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में जो सेंसस हुआ था उसके अनुसार भारतीय आबादी का 10 से 12% आबादी का यह समाज भी पाया गया, तो इसको लेकर एक विमर्श पैदा हुआ देश में और दुनिया के स्तर पर भी। और वैसे तो ट्राइबल स्टडीज़ एंड एंथ्रोपोलॉजी की स्टडीज़ में और खासकर लिटरेचर में इस विषय पर ज़्यादा काम होता है, लेकिन आप यदि लिटरेचर के, ट्राइबल स्टडीज़ के एंड एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट नहीं भी हैं तो भी इस संगोष्ठी में शामिल हो सकते हैं और कुछ विषयों पर चाहें तो अपना पेपर लिख कर भी भेज सकते हैं। दूसरी बात, हिंदी में, अंग्रेजी में और मराठी में, तीन भाषाओं में ये संगोष्ठी हो रही है, तो तीनों में से किसी भी एक भाषा का चयन कीजिए आप और अपना शोध पेपर, रिसर्च पेपर लिखकर भेजना चाहें तो भेज सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। थीम, इसकी जो विषय रखा गया है संगोष्ठी का, वह है विमुक्त और घुमंतु, विमुक्त और घुमंतु, जन समुदाय दिशा और दशा। और आपको जो संदर्भ रखना है भारतीय समाज के परिपेक्ष में रखना है, ना ही आपको अफ्रीकन कंट्रीज़ में जाना है, ना ही आपको स्कैंडिनेवियस कंट्रीज़ में जाना है, ना ही आपको यूरोपियन कंट्रीज़ के आदिवासी और घुमंतु समाज पर जाना है, आपको केवल भारतीय संदर्भ में रहकर अपनी बातों को लिखना है और समझाना है। 21 और 22 मार्च को ये संगोष्ठी हो रही है, 21 और 22 मार्च को, लेकिन पेपर भेजने के लिए, आर्टिकल लिखने के लिए और नामांकन करवाने के लिए आपके पास 1 से 2 दिन का समय है जब से आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, ऑफलाइन माध्यम से संगोष्ठी होनी है तो वहाँ व्यवस्था जो होगी आपके ठहरने की संस्थान ही करेगा और उसके लिए कोई अतिरिक्त चार्ज आप लोगों से नहीं लिया जाएगा, समझ रहे हैं, आपके रुकने की व्यवस्था जो संस्थान करेगा उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन आपको पहले बताना होगा कि आप केवल वहाँ पेपर पढ़ के चले जाएंगे या 1-2 दिन वहाँ रुकेंगे भी। अगर ऐसा करेंगे तो हेल्पलाइन के रूप में कुछ नंबर है, मैं आपको दे दूंगा, दीपक और डॉक्टर दीपक और डॉक्टर आरिफ महंत जी का, उनसे आप संपर्क कीजिएगा। और 15 मार्च यानी कि कल जो है 15 मार्च तक बता दीजिएगा कि आप की व्यवस्था करनी है निवास की या नहीं करनी है, ठीक है। टॉपिक मैं आपको बाद में बताऊंगा, जैसे कि बता दिया हिंदी, इंग्लिश और मराठी, ठीक है। हिंदी में आप मंगल फॉन्ट का यूज़ करके अपना पेपर टाइप करेंगे, 14 के फॉन्ट में, और इंग्लिश वाले न्यू रोमन टाइम में, ठीक है। और बाकी रूल्स एंड रेगुलेशन आपको संस्थान की वेबसाइट से मिल जाएंगे। 200 से 250 शब्दों में आपको अपने रिसर्च पेपर का सार यानी कि एब्स्ट्रैक्ट भी लिखना होगा, भेजना होगा, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन फीस दोबारा से बता देता हूँ इसमें लिखा है कि पंजीकरण शुल्क टीचर्स के लिए 200 रुपये है और साथ ही साथ में रिसर्च स्कॉलर और स्टूडेंट के लिए 100 रुपये है। टीचर्स के लिए 200 रुपये, अन्य के लिए 100 रुपये और पंजीकरण शुल्क में आपकी संगोष्ठी की किट और नाश्ता भी शामिल होगा, ठीक है। 2 दिन की खाने की व्यवस्था आपको स्वयं करनी होगी। अब इतना दूर आप जाएंगे, सब संस्थान तो नहीं करेगा ना, संस्थान में भी जो कार्यक्रम है पैसों से चलता है, ठीक है। तो ये थी सूचना, अब आते हैं विषय पर। और कोई और कंफ्यूजन हो, मैंने बताया ना, देखिए हिंदी, इंग्लिश, मराठी तीनों में पेपर है, लेकिन विषय में केवल हिंदी में बताऊंगा क्योंकि अधिकांश मेरे दर्शक हिंदी भाषी के हैं। लेकिन अगर आपको विषय अंग्रेजी में जानना है या मराठी में जानना है तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दे दूंगा, ठीक है। क्योंकि सारा कंटेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखना भी संभव नहीं है मेरे लिए, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम अन्य चीज़ों पर यानी कि विषय पर और कुछ ज़रूरी बातों पर। 10 विषय इसमें रखे गए हैं हिंदी के,
वही इंग्लिश में है, वही हिंदी में, उसको लेकर आप काम कर सकते हैं। विषय की चर्चा करने से पहले मैं बता दूं कि भारतीय परिपेक्ष में अपने पेपरों को लिखिएगा, ठीक है। पहला विषय, विमुक्त घुमंतु समुदाय अवधारणा और स्वरूप। विमुक्त घुमंतु समुदाय समाज और संस्कृति के परिपेक्ष में, विमुक्त घुमंतु समुदाय संविधान एवं कानून के परिपेक्ष में। कानून यानी कि भारतीय संविधान की बात करनी है आपको और कानून की भी बात करनी है। कानून का मतलब सीपीसी सीआरपीसी भी है और कानून का मतलब भारतीय संविधान भी। तो भारतीय संविधान में इस वर्ग और समाज के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं और भारतीय दंड संहिता में, ठीक है, सीपीसी सीआरपीसी में क्या प्रावधान है, उसकी जानकारी यदि आपको है तो उस आधार पर इस विषय पर पेपर लिख सकते हैं। एक विषय और है, विमुक्त घुमंतु समुदाय भारतीय साहित्य के परिप्रेक्ष्य में। भारतीय साहित्य के परिप्रेक्ष्य में बहुत से साहित्यकार ऐसे हैं, आज भी हैं, पूर्व में भी थे, जो इस समाज को लेकर अपनी कलम चलाते हैं, अपनी वैचारिकी को प्रदर्शित करते हैं और अपना लेखन कार्य करते हैं, ठीक है। एक और विषय है, स्वतंत्रता संग्राम के परिप्रेक्ष्य में विमुक्त एवं घुमंतु समुदाय, ठीक है। एक और है इसमें, भारतीय साहित्य में विमुक्त घुमंतु जनजातियों पर आधारित उपन्यास। शब्द क्या जोड़ दिया, जनजातीय और उसमें भी उपन्यास, यानी कि विमुक्त और घुमंतु जनजातीय समाज या समुदाय पर केंद्रित उपन्यास का अध्ययन करके आप एक सूची बनाइए और अपना पेपर लिखिए। एक और है, विमुक्त घुमंतु जनजातीय जनजातियों की आत्मकथाओं का समाज शास्त्रीय अध्ययन। पहले आया उपन्यास, अब यह आया है आत्मकथाओं का, और कीवर्ड क्या है, मैथोलॉजी, समाज शास्त्रीय स्टडी यानी कि अध्ययन। एक विषय और है, साहित्य सॉरी दलित एवं विमुक्त और घुमंतु, दलित विमुक्त और घुमंतु जनजातियों की आत्मकथाओं का तुलनात्मक अध्ययन, कंपेरेटिव लिटरेचर जिसे हम बोलते हैं ना, तुलनात्मक अध्ययन, उसकी बात है। विमुक्त है, घुमंतु है और एक शब्द और है दलित, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है जो दलित हो वो विमुक्त भी हो, जो दलित हो वो घुमंतु भी हो, लेकिन अपना अपना सबका दृष्टिकोण होता है। एक विषय और है, आदिवासी विमुक्त और घुमंतु जनजातियों की आत्मकथाओं का तुलनात्मक अध्ययन, यानी कि विमुक्त और घुमंतु का तुलनात्मक अध्ययन आपको करना है दलित के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आदिवासी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अलग अलग विषय और थीम रखे गए हैं। लास्ट विषय रखा गया है भारतीय परिप्रेक्ष्य में, भारतीय परिप्रेक्ष्य में। अब ये डिफाइन नहीं, मैं आगे कर दूंगा डिफाइन, ठीक है। भारतीय परिप्रेक्ष्य विमुक्त और घुमंतु जनजातियों का जीवन और साहित्य। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि ये विषय जो थीम है एंथ्रोपोलॉजी लिटरेचर और ट्राइबल स्टडीज के नज़दीक में है, ठीक है। तो जब ऐसी भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो आपको भारतीय समाज में रहने वाले या रह रहे हैं लंबे समय से उस समाज का जिक्र करना है जो भारत के हर राज्य में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो घुमंतु भी होता है, बंजारा भी होता है, एक स्थान पर कुछ समय तक रहता है, और अधिकांश लोग हम इनको पता है क्या बोल देते हैं, इनको बोल देते हैं हम बंजारा समाज या फिर खानाबदोश। तो खानाबदोश क्या कोई जाति है या जनजाति है या विमुक्त जाति है या घुमंतु जनजाति है, ये आपको क्लियर करेंगे ना जब आप, तो आपको नई नई चीज़ों से संज्ञान के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होगा। और आपके इस ज्ञान प्राप्त होने के बाद जो पेपर लिखेंगे समाज की एक वैचारिकी के अंतर्गत आपका भी योगदान बढ़ेगा। और जब आप अपना योगदान देते हैं तो एक नए डिस्कोर्स को जन्म भी देते हैं और पुराने जो मैथोलॉजी और मिथक फैले होते हैं उसको खंडित करने का भी आप एक समाधान देते हैं, एक मार्ग देते हैं। तो आपको मौका दिया गया है अपनी, क्योंकि एक समस्या रहती है हम युवाओं की, अधिकांश वर्ग की, कि हमको मौका और मंच नहीं मिलता है, हमको मौका और मंच प्राप्त नहीं होता है जहां हम मुख्य या मेन स्ट्रीम मीडिया के समक्ष या मुख्य समाज के बीच में जाकर अपने विचार अपनी विचार की अपने इज्म यानी कि बात को रख सकें, ताकि आज के दौर में हम क्या सोचते हैं, हम क्या जानते हैं, वह भी समाज को मालूम चले। तो इसीलिए संगोष्ठियां हो, आर्टिकल पेपर हो, सेमिनार हो, करवाए जाते हैं ताकि आपकी एक आम इंसान की विचार की वहां तक पहुंचे। और उसी के माध्यम के रूप में छोटी सूचना मुझे प्राप्त हुई, मैंने आपको दे दी। समय बेहद कम है, नामांकन का भी, पेपर दर्ज करवाने का भी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी जानकारियाँ आपको दी जाएंगी उसको ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। पढ़ने के बाद समझने में कोई तकलीफ हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। और जल्द से जल्द यानी कि 1 से 2 दिन या कह लीजिए 36 से 48 घंटे का समय है आपके पास रिसर्च पेपर को लिखने का, आर्टिकल को भेजने का और नामांकन करवाने का, ठीक है। डेट यदि आगे पीछे होती है तो वह संस्थान ही बताएगा, मुझे मिलेगी जानकारी तो हम भी आपको बता देंगे। तो 2 दिवसीय संगोष्ठी में पेपर भेजिए और जो विषय आपको बताए गए हैं ना, इन विषयों पर हिंदी और मराठी में भी आप भेज सकते हैं, जैसे पहले बताया है। संस्थान की वेबसाइट पर भी पूरी जानकारी है। मिलता हूँ आगे।
किसी और संगोष्ठी की सूचना लेकर या किसी एडमिशन की सूचना को लेकर वो सस्पेंस छोड़ देते हैं और मिलते हैं आपसे आज के तीसरे वीडियो में 14 मार्च का। जय हिंद, सलाम, आदाब।